हरियाणा विधानसभा शुरू हो चुकी है और विधानसभा के बाहर एक सज्जन खड़े हैं, ये पुलिस भर्ती को लेकर कुछ बताना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रौनक है और मैं हरियाणा पुलिस भर्ती का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। सरकार ने क्या किया है कि भर्ती 2019 से चल रही है, 2021 में जाके इसका पेपर हुआ है, दो बार रीएडवर्टाइज हो चुकी है। 7 अगस्त को एक बार इसका पेपर भी लीक हो गया था, उसके बाद दोबारा पेपर लिया गया दिसंबर में, उसके बाद ये स्क्रूटनी वगैरह होकर फाइनल रिजल्ट निकाल दिया गया परसेंटाइल से। एक बार लड़कियों का रिजल्ट निकाला गया परसेंटाइल से तो वो रद्द किया गया, सरकार ने, खट्टर साहब ने सदन में माफ़ी मांगी, उसके बाद 21 परसेंटाइल से दोबारा रिजल्ट निकाला गया। तो अब इस भर्ती को सरकार ने कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया है, कमीशन ने कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया है। 5 से 6 सुनवाई हो चुकी हैं, 6600 सेलेक्टेड कैंडिडेट मेल और फीमेल हैं, वो 6600 कैंडिडेट नहीं, वो 6600 परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, बार बार एचएसएससी के सामने जाके अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मैं विधानसभा के सामने आया हूँ, तो ऐसे ही घूम रहे फिर रहे कि कैसे न कैसे भर्ती पूरी हो जाए, और सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर कोई मतलब जवाब नहीं दिया जा रहा है। बार बार जैसे पिछली सुनवाई में हम गए थे तो उस सुनवाई में जो वो क्या नाम है वकील साहिब थी, उन्होंने जाके ये कहा कि द कमीशन नीड मोर टाइम। अब 50 कैंडिडेट का डाटा तैयार करने के लिए क्या कमीशन को 6 महीने लगेंगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं सरकार? तो हम अभ्यर्थी, सेलेक्टेड अभ्यर्थी सभी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी की जाए, क्योंकि मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। अगर ये भर्ती पूरी नहीं हुई तो 6600 बहुत बड़ी भर्ती है, क्योंकि 2019 जब से मनोहर सरकार 2 आई है ये पहली ऐसी भर्ती है 6600 की बहुत बड़ी जो कंप्लीट होने जा रही है। लेकर आपकी कोई संस्था भी बनी हुई है, संगठन भी बना जो इस मामले में पैरवी कर रहा है? हाँ, हम अभ्यर्थियों का एक मतलब हम एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं उसको बनाया हुआ है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके ग्रुप भी बना हुआ है, और हम बार बार हर जगह जाकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वकीलों से भी मिल रहे हैं, कमीशन से भी मिल रहे हैं, इवन मुख्यमंत्री साहब से भी हम मिल चुके हैं 2 से 3 बार, और यही कह चुके हैं कि सर प्लीज़ हमारी ये भर्ती पूरी करवा दीजिए, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है 6600 कैंडिडेट की और पुलिस की भर्ती है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन पे आश्वासन नहीं मिले हैं सर, आश्वासन का मतलब मैं कह दूं कि भर्ती कोर्ट में जा चुकी है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे याद कर देते तो कौन कर सकता है? अब कमीशन का वकील या फिर सरकारी वकील जवाब ही दाखिल नहीं करेगा तो उस भर्ती का होगा क्या? तो क्या आप एडवोकेट जनरल हरियाणा से भी इस मुद्दे पे मिले? बिल्कुल, एजी से भी हम मिले इस मुद्दे पर, एजी साहब ने भी यही कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम जल्द ही इस भर्ती के जो मतलब डेटा है हम जल्द से जल्द दाखिल करेंगे, लेकिन पिछली 6 से 7 सुनवाई हो चुकी है, कोई पहुंच ही नहीं रहा, अगर पहुंच भी रहे तो जाके एक बात कह रहे हैं कि द कमीशन नीड मोर टाइम बिकॉज दिस इज द स्टैटिकल डाटा, वी नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर इट। सो मतलब अब कैसे बताएं हम, कैसे इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें, कहाँ एक्सप्लेन करें कि भाई आप एक 50 बंदों का डाटा जो जज ने मांगा वो प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 से 5 या 4 6 महीने चाहिए, कब तक हम ऐसे जूझते रहेंगे? धन्यवाद। तो देखिए, एक युवक की पीड़ा है जो अपनी पीड़ा ऑन कैमरा बता रहा है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।